सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कबीर बाज बेनती जो भई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम पाओ आप हाथ दै मोहे बचाओ सब बैरन को आए सुनरी है पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह के आशा तुम्हें
छाड कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहू सुकुम ते पाऊ आप हाथ दे मुझे उतरिए मरन काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल काए ब्रह्मा बपतरा काल काए शिव जू अवतरा जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात जचन उपजायो तो हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी बुद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जीते भजन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निर्लंग अनिल अनाद असंग कान अनुमान महामूर कछ भेद न जान आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो रावती रूपा राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग अस्तुल तब सरनी करे तिनके दुष्ट दुखत है मरे कोई पुबारते हैं ताके काल कटने हैं कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके ताप तक मोहर हो एक बार दिन तुम्हें संवारा काल पास ते ताहे उबारा सर्व तिहारी आप मार रहे हो बारी सर्व टोर मोह सहाई दुष्ट दोर तेरे हो बचाई। हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुसके सतगुर दिती तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुसके सतगुर दिती तुसके बलराम जियो
बलराम जियो हर चरण कमल की टे। सब किछ है घर तिस पर सब किछ है घर तिस पर बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ति तुसके सतगुर दित्ति तुसके बलराम दियो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सर्व रोग का औखद नाम। इस विषय पर 5 दिनों से समागम चालू है और 5 दिनों में से 4 दिन हमने महापुरुषों की बताई हुई 4 जुगतियों पर विचार किया कि 3 तरह के ताप हैं, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, कांको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। 3 तरह के ताप, 3 तरह के रोग, 3 तरह के दुख। कौन से? शरीर के रोग, मन के रोग और आत्मा के रोग। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 जुगतियां, 4 जुगतियों पर हमने विचार किया। पहली जुगती, वाणी सुनना। किसी के मन में शंका हो कि हमें वाणी के अर्थ समझ में नहीं आते, सुनेंगे तो लाभ कैसे होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों के मन में यह शंका होती है कि हमें वाणी के अर्थ समझ में नहीं आते, तो फिर इससे लाभ कैसे होगा सुनने से? महापुरुष समझाया करते थे, दवाई की गोली है, डॉक्टर कहता है खा लो, हम खा लेते हैं। अब उस गोली में कौन से सॉल्ट है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, हमें नहीं पता कैसे बनी है, केमिकल फॉर्मूला हमें नहीं पता। डॉक्टर ने कहा खा लो, हमने खा ली, अंदर गई, उसने अपना काम कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। समझ में ना आए फिर भी सुन ले कोई ध्यान से, सुनने की शर्तें, जहां तन हो वहीं पर मन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रसना बोल रही हो चाहे ना बोल रही हो, पर कान सुन रहे हो। वाणी अंदर चली गई, जिस प्रकार गोली अपना काम कर जाएगी, वाणी अपना काम कर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली जुगती हमने सुनी, कौन सी? दुख पर हर सुख कर ले जाए, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए, 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 गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख निवारण नारायण, 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 दुख निवारण नारायण। दूसरी जुगती हमने
ने विचार किया दूसरे दिन कि ठीक है गोली खा ली, कई बार खाई हुई गोली भी असर नहीं करती। घर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास नहीं। जिस डॉक्टर पे विश्वास ना हो उसकी दी हुई दवाई भी अक्सर काम नहीं करती। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार अगर हमें गुरबाणी पर विश्वास नहीं, गुरु पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो कई बार वाणी भी असर नहीं करती। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि शर्त है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। भाव का मतलब भरोसा, विश्वास, भावना। क्योंकि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी और गुरु में कोई भेद ही नहीं है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, अमृत सारे। महापुरुष समझाया करते थे कई तरह की बीमारियां हैं, हजारों तरह की बीमारियां जिनका हमें नाम भी नहीं पता। अमृत सारे, हर बीमारी का इलाज इस वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत सारे, हर प्रकार का अमृत। एक होती है मृत्यु, अमृत का मतलब मृत्यु के विपरीत। किसी की आंख खराब हो जाए, दिखना बंद हो जाए तो कहते हैं कि इसकी आंख मर गई। पैरालिसिस का अटैक आ जाए तो कहते हैं इसका एक साइड मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक साइड डेड हो गया है। अमृत, हर चीज का इलाज, हर दुख का, हर रोग का इलाज इस वाणी में है, बशर्ते इसे सुनना आ जाए, वो भी भरोसे के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख निवार नारायण, दुख निवार नारायण, दुख निवार नारायण, दुख निवार नारायण। वाहेगुरु 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 पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण। तीसरी युक्ति जो तीसरे दिन हमने विचार किया वो था कि गुरबाणी सर्व रोग का औषध नाम कैसे है, क्यों है? जितनी बीमारियां उतनी अलग अलग दवाइयां, ध्यान दें, जितनी बीमारियां उतनी अलग अलग दवाइयां। पर कमाल की बात है, वाणी कहती है जितने भी रोग हैं, तन के हो चाहे मन के हो चाहे आत्मा के हो, सबका इलाज एक ही है, क्या? गुरबाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? क्यों? क्योंकि गुरबाणी रोगों को दूर नहीं करती, पत्तों को नहीं काटती, वो जड़ को काटती है। और जड़ क्या है? पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी हमारे पाप खत्म कर देती है। पाप अगर गुरु नानक ने बख्श दिए हमारे पाप, तो तन मन और आत्मा तीनों आरोग्य हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिछले गुना बख्शाए, पिछले गुना बख्शाए,
जियो जियो अब तो मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा बिच्छू आप गवाए पिछले गुना बख्शाए 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 हो दुख निवारण नारायण चौथी जुगती जिस पर हमने विचार किया। दास यह सब शॉर्टकट में इसलिए बता रहा है क्योंकि आज का यह प्रोग्राम संस्कार चैनल पर लाइव चल रहा है। जिन लोगों ने यह समागम अटेंड नहीं किया उन्हें भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाए कि क्या जुगतियां हैं अपने तन को मन को और आत्मा को आरोग्य करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे कि ठीक है हमने पाप किए हैं, हमने ऐसे कर्म कर लिए कि हमारे मस्तक पर लिख दिया गया कि अब 20 साल इसने गरीबी में बिताने हैं, दुखों में बिताने हैं, अत की गरीबी में। या लिख दिया गया कि इसे कैंसर का रोग होगा और ये कैंसर के रोग से मौत से मरेगा, लिख दिया गया यहां पर हमारे अपने कर्मों के हिसाब से। क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी जुगती है कि ये 20 साल की गरीबी 20 दिनों की रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि लिखा गया है कैंसर के रोग से मरना है, कैंसर का रोग हो गया पर ठीक हो जाए, कोई रास्ता है बचाव हो जाए उससे? तो महापुरुष वचन किया करते थे है, और वो क्या है जो इस वक्त आप कर रहे हो? सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत। पर यही सत्संगत अगर अमृत वेले हो जाए, अमृत वेले, तो यह संभव है कि 20 साल की गरीबी 20 दिनों में कट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यह सच्ची बात है साथ संगत। एक सेकंड भी, एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता, एक सच्ची घटना है, श्रवण कीजिए। ये मेरा प्रकरण नहीं था आज, पर एक बात याद आ गई है, कई लोगों के मन की हल आएगी, शंका क्या हल हो जाएगा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज संगत में अमृत वेले जब कीर्तन का भोग पड़ा, बाबा आनंद सिंह जी महाराज संगत को नाम का उपदेश दे रहे हैं, नाम की वड्याई बता रहे हैं। एक आदमी बीच में उठ के खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं नहीं मानता कि नाम में शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं मानता कि नाम में शक्ति है, मैं नहीं मानता कि नाम हमारी गरीबी मिटा सकती है, मैं नहीं मानता। बाबा आनंद सिंह जी ने कीर्तन के भोग के बाद उस आदमी को अपने पास बुलाया, कहने लगे हमारे गुरु
धन धन बाबा महाहर नाम सिंह जी बुच्चो साहेब वाले, उनके पास चला जा, वो तुझे सिर्फ बताएंगे ही नहीं, तुझे दिखा भी देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरसिख बाबा महाहर नाम सिंह जी के पास पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो बाबा जी देखकर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरा नेम क्या है? उसने बताया मेरा नेम कर तो रहा हूं पर बेमन से कर रहा हूं। मैंने सुना था कि नाम में बड़ी महिमा है, नाम में बड़ी ताकत है, इस विचार से मैंने 7 लाख मूल मंत्र का जाप किया। ध्यान देना साथ सिंह जी, कहने लगा मैंने 7 लाख मूल मंत्र का जाप किया पर मैं चाहता था मेरी गरीबी कट जाए, मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कैसी शक्ति नाम में, मैं नहीं मानता। महापुरुष कहने लगे जो भी तेरा नेम है वो छोड़ मत, कुछ दिन और मत छोड़ हमारे कहने की वजह से, हमारे कहने से फलानी जगह पर जाकर रुक जा, अमृत वेले उठ अपना नेम निभा, जो मूल मंत्र का जाप तू करता है अमृत वेले उठकर वो कुछ दिन और कर ले, तुझे सब कुछ साक्षात दिखाई दे जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ, वचन माने उसने। कुछ ही दिन बीते थे, शायद 13वां दिन था, अमृत वेले उठा है, स्नान किया, आसन पे बैठा और मूल मंत्र जपना शुरू किया। साध संगत जी क्या देखता है, उसके आगे एक दृश्य प्रकट हुआ, जैसे एक पिक्चर चलती हो, फिल्म चलती हो। क्या देखता है, एक आसन पे धन धन गुरु नानक पातशाह विराजमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पास में जिन महापुरुषों के पास गया है बाबा महाहर नाम सिंह जी, वो भी बैठे और एक दिव्य स्वरूप वाला पुरुष एक रजिस्टर लेकर गुरु नानक पातशाह को दिखा रहा है और इशारा कर रहा है इसकी तरफ। क्या कि पातशाह इस आदमी ने 7 लाख मूल मंत्र के जाप किए हैं, इस आदमी ने 7 लाख मूल मंत्र के जाप किए हैं, उसके बदले में हमने इसके 7 जन्म का कुष्ठ रोग काट दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7 जन्मों का किसी कोढ़ का रोग होना था, इसने ऐसे कर्म किए थे, कोढ़ के रोग से इसने मरना था, हमने वो काट दिए हैं, पर ये बार बार शिकायत करता है कि मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। हमने सोचा कि अगर गरीबी दूर कर भी दे, रोगी हो गया शरीर तो माया का करेगा क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए हमने इसके दुख दूर कर दिए, पर ये बार बार शिकायत करता है कि गरीबी नहीं कटी, गरीबी नहीं कटी, नाम में शक्ति नहीं, आप बताओ क्या करें। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखकर कहने लगे उससे पूछ लो, जो चाहिए वो दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दृश्य बंद हो गया, ये हैरान हो गया, अब उठा वहां से, भागा बाबा महाहर नाम सिंह जी के पास और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नाम की दात बख्शो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे विश्वास हो गया, सोची हो गई कि एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं गया, अगर मेरा शरीर रोगी हो जाता, कोढ़ का रोग हो जाता तो मैं धन दौलत का करता क्या। बाबा महाहर नाम सिंह जी कहने लगे कि तू जो नाम जपता है जपता रहे, तेरे रोग कट गए हैं, 7 जन्मों के रोग कट गए तेरे 7 लाख मूल मंत्र जपने से, अब तू जपता रहे तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी मन में ये ख्याल मत लाना कि नाम में शक्ति नहीं है। कई बार हम मांगते होते हैं कुछ और हमारा उसमें भला नहीं होता, गुरु नहीं देता, गुरु कैसे अपने बच्चों को जहर दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग हैं शिकायत करते हैं हमारे घर में औलाद नहीं है, अरे जहां लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं तेरे घर में भी दे सकता है, तुझे नहीं दे रहा उसके पीछे कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण सत्संगत में बैठकर नाम जपने का फल बयान नहीं किया जा सकता, पर अगर यही सत्संगत अमृत वेले हो जाए फिर तो कहना ही क्या है, मैं इसका फल गिनकर बता ही नहीं सकता, बता नहीं सकता क्योंकि गिनती नहीं हो सकती। महापुरुष कहते थे 20
जन्मों का दुख 20 दिनों में नहीं, गुरु नानक चाहे तो 20 सेकंड के सपने में भी काट सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, काट सकता है वो। और ऐसी कई साखियां हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है वो बताने का। पर कभी भी मन में ये ख्याल मत आने देना कि मैंने नाम जपा और व्यर्थ चला गया। बाबा जी वचन किया करते थे कि एक आदमी की मजदूरी करो ना, शाम को वो भी दिहाड़ी देता है। अरे लोग मजदूरी देते हैं, क्यों राख्या है राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो तेरा जपा हुआ क्यों रख लेगा, उसके बदले तुझे सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो साथ संगत जी। ये जो 5 दिन का समागम है, ठीक है हमारे तन के रोग दूर हो जाएंगे, गुरु मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, वाणी की शक्ति है जरूर बरतेगी, हमारे तन मन आत्मा के रोग दूर होंगे, पर आगे रोग ना आए और उसके लिए अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4:15 तक पहुंच जाओ, अगर कोई कारण है नहीं आ सकते, घर में उठो, स्नान करो, सिमरन करो। अगर बीमार हो नहीं नहा सकते, 5 स्नान करो, वो भी नहीं कर सकते मत करो, बिस्तर पर बैठ जाओ और सिमरन करो, अमृत वेला संभाल। सुख चाहते हो राजाओं के जैसा सुख चाहते हो, महापुरुषों के वचन है, अगर दिन में राजा की तरह जीना चाहता है, रात को उसके आगे भिखारी बन जाया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालिए, ये मेन जुगती है, असल जुगती है, इसके बिना छुटकारा नहीं। दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक बात बड़ी कमाल की है, आपने नोट की कि नहीं शायद, कि इन चारों जुगतियों में एक बात कॉमन है, एक बात हर जुगती में आई है, वो क्या है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी क्या है, नाम जपना है भरोसे से, क्या नाम बख्शाना कैसे है, नाम जपकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और सत्संग में बैठकर क्या करना है, अमृत वेले उठकर नाम, सर्व रोग का औखद नाम। ऐतिहासिक घटना बड़ी कमाल की गुरु नानक पातशाह के जन्म साखी में से मिलती है। हर साखी बहुत बड़ी शिक्षा देती है, पर यह साखी पढ़ के तो मैं हैरान ही हो गया था। साथ ही गुरु नानक पातशाह की इतनी विशेष शिक्षा कि आज के दौर में इसकी बहुत जरूरत है, हम भटक चुके हैं, ध्यान देना, बड़ी कमाल की घटना है। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी समुन्दर के ऊपर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी समुन्दर के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं, और चलते चलते जहां पहुंचे उस जगह का नाम कलकत्ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब कलकत्ते पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं, अगरबत्तियां जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, लाइन लगी हुई। गुरु नानक पातशाह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, एक जगह देखकर, बहुत बड़ा मैदान देखकर, अंतर्जामी पातशाह सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, बहुत बड़ा मैदान देखा, उसमें एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए।
सब लोगों ने देखा, सारे राज्य के लोगों ने देखा कि कोई महापुरुष आए हैं, कमाल का जलाल है चेहरे पर। सारी लाइनें लग गए गुरु नानक पातशाह के दर्शनों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और लाइन लगाकर दर्शन करके जा नहीं रहे, सिर्फ आगे आकर हर आदमी रोने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और रोकर क्या कहता है, कोई कहता है मेरे यहाँ पर दर्द है, कोई कहता है मेरे वहाँ पर दर्द है, कोई कहता है मेरे कंधे में, कोई मेरे पेट में। हर आदमी रोगी, हर आदमी के तन में रोग लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अरोग हो, सबके सब रोगी। और आकर कहते क्या है गुरु नानक पातशाह से, हमारे हाथ देखो, बताओ हमारा रोग कैसे ठीक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई बाला जी और मर्दाना जी से कहते हैं, इन सबको बिठाते जाओ, कहो कि बैठो, आप लोगों को आरोग करके ही भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब लोग बैठने लगे, हजारों की तादाद में। अब यह खबर राजे तक पहुंची, राजा भी रोगी दर्द से करा रहा है। पालकी में बैठकर आया, गुरु नानक पातशाह के चरणों में माथा टेक कर कहता है कि मेरे पेट में दुख होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा भी रोगी कहता है कुछ उपाय करो, हमारे रोग दूर करो। आप महापुरुष हो जानते नहीं, जिन्हें महापुरुष कह रहा है, जिन्हें संत कह रहा है, वो तो एक दृष्टि से जिसे देख ले उसे संत बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है निमक दृष्ट देखे होए संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह संत नहीं, संत बनाने वालों में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने सबसे कहा कि हमारी बात मानोगे, सब ने कहा हाँ मानेंगे, आप जो कहेंगे मानेंगे, हमारे रोग दूर कर दो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ना कोई बच्चा घर में रहना चाहिए, ना कोई बुजुर्ग, सारे प्रदेश को बुलाकर यहाँ पर बिठा दो, जितना भी बड़ी जगह है सबको इकट्ठा कर दो। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, रात तक सब लोग इकट्ठे हो गए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे अब सारी रात सुबह तक यहाँ पर बैठकर हम सब वाहेगुरु सिमरन करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहेगुरु सिमरन। मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी, रबाब, और गुरु नानक पातशाह अपने मुखार बिंद से वाहेगुरु सिमरन का जाप करा रहे। वाहेगुरु, 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 दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण, दुख निवारण नारायण,
रात से लेकर सुबह तक सारा प्रदेश वाहेगुरु सिमरन का जाप करता रहा सत्संग। और इतिहास में जन्म साखे में लिखा है, सुबह तक जितने भी लोग बैठे थे सबकी देह अरोग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के तन में रोग नहीं बचा, किसी के तन में। वाणी की ताकत और वाणी आ भी कहां से रही थी, गुरु नानक पाशा के मुखार बिंद से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लोगों ने मंदिरों में जाना कम कर दिया, पूजा कम हो गई, लोग सिमरन में जुट गए, वाहेगुरु सिमरन करने लगे। पहाड़ों से उतर कर एक योगी आया है, पहाड़ों से उतर कर बड़े गुस्से में उसने देखा मंदिरों में लोग पूजा नहीं कर रहे, हर कोई वाहेगुरु सिमरन कर रहा है। कपी जपी योगी गुस्से से भरा हुआ गुरु नानक पाशा के पास आया और कहने लगा, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया है, सब लोगों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया है और वाहेगुरु सिमरन कर रहे हैं, आपने अनर्थ किया। गुरु नानक पाशा कहने लगे, मंदिरों में जाकर करना क्या था। जोगी कहने लगा, पूजा करनी थी। गुरु नानक पाशा कहने लगे, कैसी पूजा, कैसी पूजा, जिस पूजा में नाम ही शामिल नहीं वो कैसी पूजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संग जी, दास जो कहना चाहता है, गुरु नानक पाशा क्या कह रहे हैं, जिस पूजा में नाम शामिल नहीं वो पूजा पूजा नहीं, वो पूजा दुखों का कारण बनती है। गुरु नानक पाशा ने उस वक्त वाणी उच्चारण की, वो सुनिए, मैं तो पढ़कर हैरान हो गया, आप भी सुनिए। पैरों महला पहला जगन हो कुंड तप पूजा, जगन होम कुंड तप पूजा, देह दुखी नित दुख सहे, जगन होम यज्ञ होम कुंड तप पूजा, बिना नाम के अगर ये सब किया गया तो देह में रोग लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम मंदिर में जाके नारियल चढ़ाते हैं, मानो मंदिर छोड़ो गुरुद्वारा ले लो, एक ही बात है, यहाँ पर आए फूलों का हार चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई, नारियल चढ़ाया, कड़ा प्रसाद चढ़ाया, अगर नाम नहीं जपा तो गुरु नानक पाशा कहते हैं कि इस देह को रोग लग जाएंगे, फल तो क्या मिलना है, उल्टा पाप सर पे चढ़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम सब यही करते आए हैं। इस इलाके में जितने भी धर्मों के जो भी आता है, चाहे कोई भी त्योहार आए, लोग नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, पर नाम नहीं जपते, इसीलिए हमारे तन में रोग लग जाते हैं। बिना नाम के कोई पूजा किसी काम की नहीं, गुरु नानक पाशा की वाणी कह रही है, और वाणी तीन काल सत्य है। दास बार बार कहता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जगन होम पुण्य तप पूजा, दे दुखी नित दुख सहे, राम नाम बिन मुक्त न पावस, मुक्त नाम गुर मुख लहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के राम के नाम बिना मुक्ति नहीं। अब इस जोगी ने बड़ा कमाल का सवाल पूछा साथ संगत, बड़े ही कमाल का सवाल। कहने लगा, आप कहते हो सारी महिमा नाम की है, ठीक है, आप कहते हो सारी महिमा नाम की है, अब काशी को वर है कि जो भी काशी में मरेगा चाहे नाम जप है या नहीं वो तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नाम की ताकत कहाँ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा सवाल पूछा साध संगत जी जोगी ने, कि काशी को वर है कि जो भी आदमी वहां पर अपने स्वास्थ्य त्यागेगा, वहां पर शरीर छोड़ेगा, जिसकी मृत्यु काशी में होगी वो तर जाएगा, चाहे कोई पापी ही क्यों ना हो कितना भी, अब नाम की ताकत कहाँ गई। तो गुरु नानक पाशाह ने आगे सवाल किया कि जोगी जी इसके पीछे धारणा क्या है, गाथा क्या है इस बात के पीछे कि काशी में जो मरेगा
वो तर जाएगा। तो जोगी कहने लगा, ध्यान से सुनना साथ संगत, जोगी कहने लगा कि जब आदमी वहां मरने लगता है, शिव जी का वर है, तो अंतिम समय में शिव जी उसके कान में आकर तारनहारा नाम उच्चारण करते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तारनहारा नाम क्या है? राम। प्यार से बोलिए, राम 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 राम। जोगी कह रहा है कि शिव जी अंतिम समय में उसके कान में आकर राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, फिर महिमा तो राम के नाम की हुई, काशी की नहीं। महिमा तो राम के नाम की हुई। राम का नाम जपने वाला काशी में मरे चाहे कहीं भी मरे, वो तो तर ही जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, नाम। इस नाम को पकड़ लो, सत्संगत अमृत वेला और नाम को पकड़ लो दृढ़, हमारी जिंदगी में से दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्व रोग, जितने भी प्रकार के रोग हैं, एक रोग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आज कोई अरोग हो भी जाएगा, कल दूसरा रोग नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? पर जो अमृत वेला संभाल ले, जो सत्संगत संभाल ले और नाम को पकड़ ले, तो फिर रोग आ ही नहीं सकेंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। रोम रोम मोरा रंग दो गुरु जी, रोम रोम मोरा रंग दो गुरु जी, बिन रंगाया मैं नी उजान। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैंने आप का ही गुणगान। मोहे अपनी ही रंग में रंग ले, मोहे अपनी ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे लागी, अपनी ही रंग में रंग ले, मोहे अपनी ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे लाही, अपने रंग में रंग ले, की पगड़िया अमरी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे। चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, ओए अपनी ही रंग में रंग ले, ओए अपनी ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा रंग दे।
कुछ मांगे रंग की रंगाई, जो कुछ मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोबन गिरवी रख ले रख ले, रंग की रंगाई, जो कुछ मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोबन गिरवी रख ले रख ले, मोरा जोबन गिरवी रख ले रख ले, रख ले रख ले रख ले, ओए अपनी रंग में रंग ले, अपनी रंग में रंग ले, तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही, अपनी रंग में रंग ले, जावे शुकराना उदा, हो जावे शुकराना उदा, कलम बनाई काने दी, सतगुर मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना उदा, कलम बनाई काने दी, सतगुर मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना ओदा, बख्शिश करके सतगुर, नाम दी बख्शिश करके सतगुर, कट्टी फिक्र दीवाने दी, सतगुर मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना ओदा, कलम बनाई काने दी, सतगुर मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना ओदा। साने दी सतगुरु मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना ओदा, कलम बनाई काने दी, सतगुरु मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी, हो जावे शुकराना ओदा। Bye.
सिफत करूंगा सिद्धू हर सा सिफत करूंगा तेरे हर नजराने दी सतगुरु मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दित्ती इक अनमोल खजाने दी जावे शुक्राना ओदा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी की। ओ, 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 ओ